जी अस्सलाम वालेकुम। अभी हमने अबाउट माई सेल्फ के बारे में पढ़ा और इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट की है, तो अभी हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है फैमिलीज़ के बारे में हम लोग इसकी रीडिंग अभी स्टार्ट करेंगे। फैमिली जैसे कि ख़ानदान, आप लोग जानते हैं आप लोगों की भी फैमिली है, उसमें आपके पेरेंट्स अम्मी अबू यानी फादर मदर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर ब्रदर सिस्टर अंकल आंट ये सब हैं आप लोगों के भी। तो इसी तरह से हम लोग ये लेसन पढ़ेंगे फैमिलीज़, ठीक है। तो इसमें इसकी स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मिस्टर हबीब अली इज़ मिस्टर रज़ा अलीज़ फादर। आप लोग देख रहे हैं कि मिस्टर हबीब अली इज़ मिस्टर रज़ा अलीज़ फादर। मिस्टर हबीब अली जो हैं वो मिस्टर रज़ा अली के फादर हैं यानी अबू हैं। ही इज़ यासिर एंड अनम्स ग्रैंड फादर। वो क्या हैं, यासिर और अनम के ग्रैंड फादर हैं। मिस्टर हबीब अली इज़ 80 ईयर्स ओल्ड। मिस्टर हबीब जो हैं वो 80 ईयर्स यानी 80 साल के हैं। ही लिव्स इन अ इन द कंट्री साइड। ऑन हिज बर्थडे हिज होल फैमिली केम टू हिज हाउस। जैनब अलीज़ ब्रदर अनवर एंड हिज वाइफ फातिमा ऑल्सो केम। दे हैड अ ग्रैंड पार्टी। अब इस पैराग्राफ में जो है वो मिस्टर हबीब अली हैं, ये मेन कैरेक्टर जो है इसमें हबीब अली वो ये हैं कि ये इस फैमिली में मेन हैं। मिस्टर हबीब अली 80 ईयर्स ओल्ड 80 साल के हैं, इनकी बर्थडे है, यहाँ पे इनकी सारी फैमिली ये गैदरिंग में इकट्ठे हुए हुए हैं। तो उनके बारे में सारा कुछ उन्होंने बताया है कि ये जैनब अली हैं, ये मिस्टर रज़ा अली हैं, ठीक है। मिस्टर रज़ा अली इज़ द सन ऑफ मिस्टर हबीब अली, ठीक है। ये मिस्टर हबीब अली का बेटा रज़ा अली हैं, ये इनकी वाइफ जैनब अली हैं, और इनका जो बच्चा है आपने यहाँ पे पढ़ा ही इज़ यासिर एंड हुम अनम्स ग्रैंड फादर। ये जो हबीब अली हैं ये यासिर और अनम के ग्रैंड फादर हैं। यासिर और अनम, इसमें ये यासिर हैं और ये अनम हैं, तो इनके ये दादाबू हैं यानी ग्रैंड फादर हैं, और ये इनकी ग्रैंड मदर हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है, हेयर इज़ अ पिक्चर ऑफ द अली फैमिली। कैन यू सी मिस्टर हबीब अली। हेयर इज़ अ प्लान ऑफ द अली फैमिली जिस कॉल्ड अ फैमिली ट्री। ये फैमिली सारी इकट्ठी है इनका, यहाँ पे उन्होंने एक फैमिली ट्री में बनाया है, और यहाँ पे कि उसमें नंबरिंग उन्होंने यहाँ पर पिक्चर में शो कर दी है, यहाँ पे उनके नेम्स लिख दिए हैं। नंबर 1 पे मिस्टर हबीब अली हैं, नंबर 2 पे मिसेस हबीब अली हैं, नंबर 3 पे तहमीना एंड इमरान, नंबर 3 पे तहमीना एंड इमरान। अब ये इनकी जो मिस्टर रज़ा अली है इनके इनकी सिस्टर बनती हैं, और इनकी मिस्टर हबीब अली की ये डॉटर हैं, और ये उनके हस्बैंड। और इस तरह से ये इनके जो बच्चे हैं तहमीना एंड इमरान, ये दे हैव 3 चिल्ड्रन महमूद अहमद एंड जहरा। 7, 8 and 9 महमूद, 8 अहमद एंड 9 जहरा। दीज आर देयर चिल्ड्रन। नेक्स्ट है नंबर 8, 9, 10 हो गया। उसके बाद है ये मिस्टर हबीब अली का जो सन है मिस्टर रज़ा अली, ये हैं नंबर 5 मिस्टर रज़ा अली, और जैनब अली नंबर 6 पे हैं ये हैं, और इन दे हैव 2 चाइल्ड, ठीक है, अनम एंड यासिर। दिस इज़ द फैमिली ट्री ऑफ दिस फैमिली। नेक्स्ट वी हैव द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, राइट नेम दीज पीपल, ठीक है। यहाँ पे ये जो लिखे हुए हैं इनके आप लोगों ने नाम लिखने हैं, तो ये ब्लैंक्स के ही तौर पे इसको भी आप लोगों ने फिल करना है। फर्स्ट पे है मिस्टर रज़ा अलीज़ फ़ादर। मिस्टर रज़ा अली के फ़ादर कौन से हैं, वो हैं मिस्टर हबीब अली। नंबर 2 है अनम्स मदर। अनम की जो मदर हैं वो कौन हैं, जैनब अली हैं। नंबर 3 पे यासिर्स ग्रैंड मदर। यासिर की ग्रैंड मदर, यासिर और अनम दे आर ब्रदर एंड सिस्टर। यासिर्स ग्रैंड मदर मिसेस हबीब अली, ओके। नंबर 4 पे है यासिर्स अंकल। यासिर के जो अंकल हैं वो कौन हैं, इमरान। नेक्स्ट नंबर 5 अहमद्स ब्रदर।
अहमद का जो ब्रदर है वो महमूद है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर टू है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, हु इज़ द यंगेस्ट पर्सन इन द अली फैमिली, अली फैमिली में सबसे छोटा शख्स कौन है, ठीक है। तो इसका आंसर है यासिर इज़ द यंगेस्ट पर्सन इन द अली फैमिली, मिस्टर हबीब अली की जो फैमिली है उसमें सबसे यंगेस्ट पर्सन, सबसे जो छोटा शख्स है वो यासिर है। क्वेश्चन नंबर टू है, हाउ मैनी कजन्स डज महमूद हैव, महमूद के कितने कजन हैं, महमूद हैज़ टू कजन्स, ओके, महमूद हैज़ टू कजन्स, वो टू कजन्स कौन कौन से हैं, यासिर एंड अनम, बट यहाँ पे उन्होंने हाउ मैनी पूछा है कितने हैं, दे आर टू स्टूडेंट, दे हैव टू कजन, दे हैज टू कजन्स, ओके। क्वेश्चन नंबर थ्री है, हाउ मैनी आंट्स एंड अंकल्स डज अनम हैव, अनम हैज टू आंट्स एंड टू अंकल्स, यानी कि उनके हाउ मैनी अनम, अनम के कितने खालाएँ और अंकल हैं, तो दे हैव टू कजन्स, टू आंट्स एंड टू अंकल्स, जिसमें आप लोग लिखेंगे अनम हैज टू आंट्स एंड टू अंकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर है, हु आर व्हाट आर देयर नेम्स, उनके नाम क्या हैं, तहमीना, फातिमा, अनवर एंड इमरान, ठीक है। ये उन टू आंट्स और टू अंकल्स के इस क्वेश्चन में उन्होंने नाम पूछे हैं, तो यहाँ पे हमने नाम लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है, टेक द राइट आंसर, जो दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें उर्दू में हम लोग बोलते हैं, तो इसमें आप लोगों ने ये ऑप्शंस वाले हैं, इसमें आप लोगों ने जो उसका करेक्ट ऑप्शन है उस पर आप लोग चेक लगाएंगे। नंबर वन, मिस्टर हबीब अली, मिस्टर रजा अलीस डैश, यानी ब्रदर, फादर, अंकल, मिस्टर हबीब अली, मिस्टर अली रजाज, रजा अलीस, फादर, ओके, इसमें हम लोग इस पर चेक करेंगे। नंबर टू है, मिस्टर हबीब अली इज़ डैश ईयर्स ओल्ड, 70, 80 और 60, मिस्टर हबीब अली इज़ 80 ईयर्स ओल्ड। नंबर थ्री, जैनब अलीज़ ब्रदर इज़ डैश अशरफ, अनवर, आसिफ, जैनब अली के जो ब्रदर हैं उनका नाम यहाँ पे बोलना है, वो ही इज़ अनवर। अब जैनब अली के हैं यासिर और अनम की मदर हैं, ओके। नेक्स्ट है, रॉबर्ट वेडलो वॉज डैश टॉल, कि रॉबर्ट वेडलो की कितना उसकी कितना लंबा है, वो कितना लंबा था, इसकी है 3.72 मीटर, 5.72 मीटर एंड 2.72 मीटर, तो इसमें हम लोग 2.72 मीटर पे टिक करेंगे। ये आप लोगों की बुक में क्वेश्चन मतलब ऐसे उन्होंने एक जनरल जनरल क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन के तौर पे किया हुआ था, उसमें से एक आप लोगों की ऑब्जेक्टिव में मैंने इसको ऐड किया है। अब हम लोग जी, ये हमारा लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, आप लोगों ने ये सारा कंप्लीटली काम करना है अपनी कॉपीज पे के ऊपर, और बिल्कुल नीट काम होना चाहिए, और काम लिखने के साथ साथ पे इसको आप लोगों ने याद भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।